सो गाइस, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ आपके फेवरेट क्रिएटर से जब वो उतने पॉपुलर नहीं थे जितने कि आज है। मेरा मतलब है कि उनके फर्स्ट वीडियो जब उन्होंने अपलोड किए थे यूट्यूब पे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सौरव जोशी की। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सौरव जोशी फर्स्ट वीडियो, तो ये वीडियो आपके सामने आएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू कुरुक्षेत्र। मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा वहां पे, वो मैं आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, वहां का क्या सीन होता है देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। बट ये वीडियो उनकी पहली वीडियो नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो फिर क्या सोचने की बात है यार। मैं दिखाता हूँ उनकी फर्स्ट वीडियो। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। तो अगर ये वीडियो सौरव जोशी की आपने पहली बार देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टेक्नो गेमर्स की। अगर आप अभी उनके चैनल पर जा करके देखोगे तो मिलियंस ऑफ व्यूज है उनके वीडियोस पे, लेकिन कभी ऐसे भी दिन थे जब उनके चैनल पे जीरो वॉचिंग आती थी। वैसे तो उनकी फर्स्ट वीडियो ये वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल, स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गेमर्स चैनल में। तो गाइस, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नॉर्मल था, बट 50 के कंप्लीट होने पर उन्होंने अपना फेस रिवील किया था। ओके गाइस, सॉरी मैं माइक ऑन करना भूल गया था। हेलो भाई सभी लोगों को। तो भाई ये Q&A लाइव स्ट्रीम है 50 के सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप प्लीज यार क्वेश्चन आंसर अपने, जो आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं आप कर लीजिए, Q&A लाइव स्ट्रीम है एक। सो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। जैसे कि आप खान सर के वीडियोस देखते हो तो कितना हंसी मजाक करते हैं, लेकिन वो पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उस देश के अंदर हमला ना हो, और वो देश दूसरे पर अगर जरूरत पड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज करके तुरंत। सो अब बारी आती है हम सबके फेवरेट यूट्यूबर बीबी की वाइन से, यानी भुवन बाम की। फंस गया हूँ शादी करके, 5 साल हो गए। अगर पता होता कि ऐसा हाल होगा तो करता ही नहीं। पिछले 5 साल से अकेले डेट पे जा रहा हूँ, कभी सब्जी लेने, कभी दूध लेने, कभी संडास का फिनाइल लेने, तो कभी टॉयलेट रोल लेने। अच्छा सुनो, मेरे लिए ना पास्ता बना दो। हाँ बना रहा हूँ, पास्ता खाएगी सली। कभी मुझसे पूछा है मुझे क्या पसंद है? तुम्हें क्या पसंद है? बेबी चिकन बिरयानी। अच्छा तो मार्केट से चिकन लाके बना दो, मैं भी खा लूंगी थोड़ा सा। सली जिंदगी झंड कर दी है। सबसे पहले सुबह उठ के टॉयलेट साफ करो, फिर कपड़े धो, फिर खाना बनाओ, और जब टाइम मिल जाए तब ये बर्तन मांजो। मम्मी ने कहा था कॉलेज के बाद बहुत अच्छा पैकेज लगेगा बेटा तेरा। साला ये रिक्रूटमेंट लगी मेरी, अकाउंटेंट बनना चाहता था, इसके साथ मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। मुझे तो याद भी नहीं इसने लास्ट टाइम मेरे से प्यार से कब बात की। जब भी रोमांटिक होके करीब जाता तो कहती तुम्हारे में से टाइड और निरमा की खुशबू आती। अरे पूरा दिन तेरे ब्लाउज और पेटीकोट धोऊंगा तो आएगी। अरे रफ्तार का गाना गा रहा हूँ, तुम ले ना पाओगे मेरी जगह। ऊपर हूँ काफी मैं तुमसे खड़ी। शादी की रात विदाई के टाइम इसके बाप ने मुझसे कहा बेटा मैं तुम्हें लड़की नहीं दे रहा। मेरी फटके 4 हो गई। फिर कहते मैं तुम्हें परी दे रहा हूँ, परी। अरे परी बहुत बड़ी है ये, बहुत बड़ी, खा खा कर ढोल हो गई है। अगले हफ्ते जाएगी मायके, तब बनाऊंगा दोस्तों के साथ बैंकॉक का प्लान। खूब मस्ती मारूंगा, खूब अय्याशियां मारूंगा, अपने सारे अरमान वहीं निकालूंगा मैं। अरे बन गया पास्ता। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान की। वैसे तो उनकी फर्स्ट वीडियो ये थी। एक गीत जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में, दिलों में, दिमाग में जगह बना चुके हैं। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, आ आ दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। वाह क्या शेर सुनाया। बट उनकी फेस रिवील वाली वीडियो ये रही। इज इट वी स्टार्ट आयो ना।